जय मातरणी, जय नारायणी सेना, राजमाता गायत्री देवी की जय, महाराजा जगदीपेंद्र जी की जय, महाराजा अनंत राय की जय। मेरे यहाँ विराजमान भाई बहनों सभी जातियों को मेरा नमन। मंच पे विराजमान हर जाति हर कौम के यहाँ पधारे, हर समाज से पधारे, उनका नमन। आज जैसे नरुका साहब ने कहा कि परिवार में मेरी शादी थी, शादी भी ससुराल में थी, लेकिन वो नाराज हो जाए वो मंजूर है, लेकिन आज उससे बड़ा परिवार मेरा यहाँ बैठा है, उसके हक के लिए मैं यहाँ चल के आया हूँ, उसके हक की लड़ाई में लड़ा। राजमाता गायत्री देवी और हमारे परिवार का संबंध बहुत पुराना है। मेरे दादा साहब उनके वहां सिटी पैलेस में काम करते थे और राजमाता गायत्री देवी के सानिध्य में ही उनका राजनीतिक जो जीवन था वहां से चालू हुआ। राजमाता गायत्री देवी ने उनको राजनीति में लेके आए, उनको टिकट दिलाया और वो दिल्ली सरकार चंद्रशेखर जी की सरकार में भागीदार थे। वो फिर कालवी साहब ने करनी सेना की गठन करी और करनी सेना ने आज तक जो मुकाम हासिल किया है सब आप लोग वाकिफ हैं। और कालवी साहब ने जो समाज के लिए और जो करनी सेना ने जो समाज के लिए जो कदम उठाए उसी को आगे बढ़ाते हुए कि समाज पहले उसके बाद में राजनीति। तो कालवी साहब एक बात जरूर कहते थे कि जो अपने जात का नहीं वो अपने बाप का नहीं, जो अपने बाप का नहीं वो अपने राष्ट्र का नहीं हो सकता। जय शिवकरणी। तो आज इस परिवार के लिए और करनी सेना की तरफ से ये कालवी का बेटा यहाँ पे आया है और क्षत्रियों की लड़ाई के लिए कंधे से कंधा मिला के इस नारायणी सेना के साथ आज करनी सेना भी मैदान में आई है। तो इस सरकार को चेतावनी देना चाह रहे हैं कि जिस दिन ये नारायणी सेना और आपने करनी सेना आज एक करी है, आपने जो विभाजन का ये काम किया है, आप ये कूच बिहार को इनकी जो मांग है उसको आप एक करें, नहीं तो ये भारत चलेगा जिस दिन नारायणी सेना और करनी सेना एक हो जाएगी। और ये आज की जो सरकार है इन्होंने पाकिस्तान को बांट रखा है, बांग्लादेश को बांट रखा है, भारत के इन्होंने तीन तीन टुकड़े कर दिए हैं। और यही कुछ दिन और इनके हाथ में अगर सरकारें दी गई और इन्होंने जनता की सुध नहीं ली और आप लोगों की मांगे नहीं बनी तो भारत वालों को तो जाना पड़ेगा पाकिस्तान और पाकिस्तान ही बन जाएगा हमारा भारत। बनेगा या नहीं बनेगा? चाइना घुस चुका है बहुत अंदर, बहुत सारी जमीन वहां पे आ चुका है। मेजर शैतान सिंह जी का चबूतरा बना हुआ था लद्दाख में, उन्होंने जो शहीद वहां पे जो लड़ाई लड़ी भारत के आजाद में, कारगिल के जो युद्ध में भारत के लिए उन्होंने अपनी जान दी, वहां उनका चबूतरा बना हुआ था। वो चबूतरा आज नो मैन्स लैंड में है और पाकिस्तान की जमीन में जाने वाला है। तो ये क्षत्रिय जब एक सूखी जमीन के लिए अपना सर कटा लेता था, एक पेड़ के लिए अपना सर कटा लेता था, अपनी गाय को बचाने के लिए सर कटा लेता था, अपने दूसरों की महिलाओं के लिए, दूसरों की बच्चों के लिए, चाहे वो गांव की किसी की भी हो, उसको बचाने के लिए अपना सर कटा लेता था, तो आज की सरकारें दम दबा के ये अपने भवन में कैसे बैठ जाती है? पहले का क्षत्रिय होता था राष्ट्र के लिए सर कटाता था, आज इनको बोलो कि सीमा पे लड़ाई है तो सबसे पहले अपनी सुरक्षा ये करेंगे, ये क्या खुद जाके सीने पे अपने गोली खाने की ये हिम्मत रखते हैं क्या? नहीं रखते। क्या ये अपने बीवी बच्चों को वहां सरहद में भेज सकते हैं कि राष्ट्र के लिए? ये क्षत्रियों ने भेजा है और हजारों साल तक भेजते हुए हैं, चाहे राम राज्य हो, चाहे महाभारत हो, चाहे भारत की आजादी के टाइम हो, जो कुछ भी आपका योगदान है इस भारत को इतिहास में सुधार करना पड़ेगा। और जो कुछ भी बिहार की आजादी है, जो सबसे पहले आप लोगों ने आजादी दिलाई है, वो जो आज आपकी मांग है, भारत का संपूर्ण क्षत्रिय आपके कूच बिहार के साथ है और नारायणी सेना के साथ है। और जो आपकी मांग है इसको यूटी बनाने की, आपको जो इसकी मांग है इसको अलग आसाम से या बंगाल से जोड़ने की,
ये दी जाए, नहीं तो ये कुछ दिनों में पाकिस्तान नहीं बन जाए तो आप भी ये देखते रहना आपके बच्चे भटकेंगे। तो इसमें ये सुधार करा जाए, और नहीं करेगा तो ये नारायणी सेना और करनी सेना है। नरोका साहब ने जैसे कहा है, राष्ट्रपति भवन भी यहाँ पे है, प्रधानमंत्री भवन भी यहाँ पे है, यहाँ लोकसभा भी दिल्ली में है, तो यहाँ से होकर बनेगी और वहां उनको दिखा देंगे, वहां उनका घेराव भी कर सकते हैं अगर ये बात नहीं मानी। और आगे का इलेक्शन आ रहा है, इसमें पूरे भारत में आग लगा देंगे और पूरा भारत हम हमारे हाथ में लेके बताएंगे। बोला शिव चंडी मां की, शिव चंडी मां की। और ये आप लोगों के हाथ में है ये सही निर्णय लेना कि ये आपका जो केसरिया ध्वज हमारा है और ये पीला झंडा जो आपका है ये पूरे भारत में आप लहराना चाहिए। यहाँ से कूच होगी, हर क्षत्रिय आपके कूच बिहार के साथ है, हर क्षत्रिय हर समाज, चाहे गुजर का हो चाहे कोई भी छत्तीसी कौम हो, आपके कूच बिहार इस नारायणी सेना के लिए और कूच बिहार के महाराज के आप लोगों के साथ में। क्योंकि इन लोगों को 70 साल हो गए, 80 साल 75 साल हो गए, आज भी भारत के लोगों की वही डिमांड है कि घर में रोटी नहीं है, सड़क नहीं है हमारे पास, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। आप लोगों के सर हमने इसलिए नहीं कटाए कि हमारी तीन तीन पीढ़ी बीत गई, हम लोगों के पास ये जो छोटे से छोटा साधन होता है रोड पानी बिजली, आज तक 80 साल में ये सरकार नहीं दे पाई हमको। ये वापस आप 7 साल में दे दो, इस कूच बिहार को देके देखो, इस क्षत्रियों को देके देखो, 7 साल में सोने की चिड़िया हम भारत को नहीं बना के दे देते हो। जय श्री कृष्ण। तो इसी के साथ ज्यादा भी मैं नहीं बोलूंगा, और भी वक्ता यहाँ पे है। हम इस ये कहना चाह रहे हैं, जो भी राजस्थान है क्षत्रिय है करनी सेना ये कहना चाह रही है, कालवी प्रताप सिंह कालवी लोकेंद्र सिंह जी का भाई बेटा आपके से ये कहना चाह रहा है कि आप लोगों की जो मांग है पूछ ग्रेटर पूछ बिहार बनाने की, इसके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। आप बोलेंगे रात को रात दिन को दिन, उस दिन आपके लिए हम लोग हाजिर है। बोलो नारायणी सेना की जय, मां करनी धन्यवाद भाई कालवी साहब।